आरपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। बड़वानी जिले के ठीकरी में गहने चमकाने के बहाने बदमाशों ने 1 लाख से अधिक की ठगी की। सीसीटीवी में दिखे ठग परिवार के सामने गायब किए गहने। धोखाधड़ी का पता चलने पर की शिकायत। शुक्रवार को ठीकरी नगर में एक परिवार के सामने बर्तन चमकाने के बाद सोने के गहने चमकाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। नगर के प्रार्थी लखन पिता ओंकार सिंह मंडलोई ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि सुबह 11 बजे दो व्यक्ति घर पर आए एवं बर्तन को उजला करने की बात कही। बर्तन चमकाने के बाद उन्होंने सोने के जेवर भी उजले करने का आश्वासन दिया एवं कुकर में जेवर डालकर उसमें पाउडर डाला। थोड़ी देर बाद खोलने का कहा एवं वे चले गए। रात के 8:25 में नट बाद जब कुकर खोलकर देखा तो उसमें जेवर नहीं थे। फरियादी ने इस ठगी की रिपोर्ट ठीकरी थाना में लिखित रूप से की, जिस पर थाना प्रभारी विजय सिसोदिया ने मौका मुआयना किया एवं आरोपियों की तलाशी शुरू कर दी। उक्त दोनों आरोपी नगर के एक सीसीटीवी कैमरे में जाते हुए दिखे। उक्त सीसीटीवी रिकॉर्डिंग थाना प्रभारी ने देखे एवं आसपास सघन तलाशी प्रारंभ कर दी। क्या दो की इस तरह की घटना पूर्व में भी कई जगह पर हो चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि नगर में पहले भी इस तरह के लोग भोले भाले ग्रामीणों को भड़काने की कोशिश करने आए थे, लेकिन आसपास के लोगों की समझदारी की वजह से वह सफल नहीं हो पाए। टिकरी थाना प्रभारी विजय सिसोदिया ने बताया कि इस तरह की कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या ठग नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि उन पर तुरंत कार्रवाई हो सके। अच्छा, क्या क्या मामला हुआ? वो बर्तन साफ करने के लिए आए थे तो बर्तन साफ करा करे भी बोला कि रकम भी हम उजली कर देंगे। अच्छा, तो रकम को भी फिर इन्होंने दे दी घर से। साफ करके उसने कुकर में रखवा दी उसको, है ना, कुकर में रखी। उसके बाद वो रकम ही गायब हो गई यहाँ से। अच्छा, उसके बाद 5-10 मिनट बाद देखे तो कहीं भी नहीं मिली उसमें। अच्छा, थाने में गए। अच्छा, थाने में रिपोर्ट लिखवा दी। लगभग कितने की रकम थी ये? 1,10,000 का। अच्छा, कितने लोग थे? 2 लोग। अच्छा, कपड़े का कलर वगैरह? 1 लाल पहना हुआ है। एक लाल तो एक कलर व्हाइट। व्हाइट, ठीक।